तो फाइनली आज मैंने किसी का भाई किसी की जान देख ली। देखी क्या मैंने झेली। ये मूवी देखने के बाद मुझे पता चला कि फरहाद साम जी को हेरा फेरी 3 मूवी क्यों नहीं देनी चाहिए। मूवी इतनी अच्छी थी कि मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी स्क्रीन से, फोन की स्क्रीन से। मूवी इतनी अच्छी थी कि पूरा के पूरा थिएटर जो है वो भरा हुआ था सन्नाटे और पीछे से तालियों की आवाज रुकी नहीं रही थी। और मैं जब ये देखने के लिए पीछे मुड़ा कि किसको ये मूवी पसंद आ रही है तो पता चला कि वो दो कपल है और वो आवाज तालियों की नहीं थी। जब मैं थिएटर के अंदर घुस रहा था तो गार्ड ने भी एक बार मुझे रोका और बोला कि सोच लो, लेकिन फिर भी मैंने एक नहीं सुनी आप लोगों के लिए गाइस। और फरहाद साम जी ने हमें डिसअपॉइंट करने में बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करा। इंटरवल तक मूवी की कहानी ये है कि सलमान भाई की शादी अभी तक क्यों नहीं हुई। फिर पता चलता है कि इसी वजह से भाग्यश्री नहीं मिली, इस वजह से सलमान खान ने शादी नहीं की। ये स्टोरी कहीं देखी देखी लगती है मुझे। और 25 साल बाद सलमान खान को रियलाइज होता है कि बिना शादी के रहना मुश्किल है, यू नो व्हाट आई मीन। तो फिर सलमान खान को प्यार हो जाता है अपने से 25 साल छोटी पूजा हेगड़े से। इतनी बड़ी स्टार कास्ट को लेकर मूवी बनाई गई है, लेकिन फरहाद साम जी यहाँ पर एकदम नाकाम रहे हैं। मैं कहूंगा सबको यहाँ पर वेस्ट किया गया है। और जोक्सों का तो क्या ही कहना, अपनी डेट से 5 साल पुराने जोक्स जिसको भी हंसाने के लिए पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक डालना पड़ता है ताकि आपको लगे कि ये जोक्स है। और मूवी के डायलॉग्स ऐसा लगता है कि 4 साल के बच्चे ने लिखे। इंसानियत में है दम, वंदे मातरम कहना क्या चाहते हो। आज के जमाने में 70s के डायलॉग डालोगे तो कैसे चलेगा, पता नहीं ये चीज मेरे साथ ही हुई या फिर आपके साथ भी। बंदा वहाँ पे कुल्हाड़ी फेंकता है और साउंड इफेक्ट है डिशूम का। स्टोरी के अंदर इतना पोटेंशियल था कि वो एक इमोशनल अच्छी स्टोरी बन सकती थी। एक बंदा अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन फरहाद साम जी इस चीज को दिखाने में एकदम फेल हो गए। हमें लगता है कि भाई जान ने इतनी घटिया मूवी सेलेक्ट क्यों की। तो मैं आपको बता दूं, जब भाई जान ने स्टोरी सुनी होगी तब उनको लगा होगा वाह ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है और ये काफी अच्छी तरह से बन सकती है। लेकिन जब ये मूवी बनी तब उनको पता चल चुका होगा ये तो घटी है। एक स्टोरी को मूवी में कन्वर्ट करना पॉपकॉर्न खाने जितना आसान नहीं है। बात करें अगर मूवी की VFX की तो ठीक ठाक है मूवी के बजट के हिसाब से। मूवी में अगर कुछ अच्छा है तो है मूवी के एक्शन सीन्स। अगर तुम सलमान खान के हार्डकोर फैन हो तुम ये मूवी देख सकते हो, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो जिसे एक्टर से फर्क नहीं पड़ता उसे बस मूवी अच्छी होनी चाहिए तो तुम्हारे लिए मूवी नहीं। यहाँ पर मैं तुम्हें ये भी नहीं कह सकता कि सलमान खान का लुक काफी अच्छा है तो तुम सलमान खान को देखने के लिए जा सकते हो। बाकी अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।